हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज के इस एपिसोड में हम दिल्ली में नवंबर में लगने वाले सबसे बड़े व्यापार मेले में आए हैं, जिसे हम ट्रेड फेयर के नाम से जानते हैं। तो ये मेला वैसे तो दिल्ली में पता नहीं कितने सालों से लग रहा है, पर हम जब से छोटे हैं तब से इस मेले में लगातार आ रहे हैं। अब तो ये काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले प्रगति मैदान काफ़ी अलग था और अब प्रगति मैदान काफ़ी अलग हो चुका है। पिछले 2-3 साल से लगातार यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पर अब ये काफ़ी हद तक पूरा बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही सुंदर, इस बार का मेला काफ़ी सुंदर है। तो आइए हमारे साथ इस ब्लॉग में शामिल हो जाइए और मिलकर घूमते हैं ट्रेड फेयर 2024 को। आ जाइए। एक पद्मश्री अवार्डी हैं, पिपुली कला में इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग में यहाँ पे लगा दी है। दो पार्किंग है, ये वाली नई पार्किंग है जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है। एक पार्किंग आपका भैरव मंदिर के पास है। दोनों जगह का शुल्क से एक समान है। 100 रुपीज़ की पर्ची हमने कटवाई है, जो कि आप पेटीएम UPI के थ्रू या फिर आप कैश में भी दे सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए फटाफट अंदर चलते और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ है करने के लिए। बाय। तो दोस्तों, पार्किंग से बाहर निकलते ही हमने अपने टिकट्स को स्कैन करवाया और उससे आगे हम अपने सिक्योरिटी चेक्स के लिए बढ़ गए। टिकट्स स्कैनर के साथ ही पुलिस बूथ है, जिसमें आप अपना सामान और अपने आप को सिक्योरिटी चेक से गुजारते हैं और उसके बाद आप एंटर होते हैं प्रगति मैदान के मेन कॉम्प्लेक्स में। जब आप अंडरग्राउंड पार्किंग से एंट्री करते हैं तो आपके ठीक सामने एक ओर हॉल नंबर 125 है और दूसरी ओर हॉल नंबर 6 है। हॉल नंबर 6 इंटरनेशनल पवेलियन है, जिसमें सभी कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट करती है ट्रेड फेयर में, वो अपने अपने स्टॉल्स लगाती है। यहाँ थाईलैंड का मेकअप बहुत फेमस है, इसके साथ साथ अफगानी ड्राई फ्रूट्स और बाकी कई कंट्रीज़ के भी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं। पर हमने सबसे पहले टारगेट किया हॉल नंबर 1 से 5, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के पवेलियन हैं। तो पहले हम उन्हीं को घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बार किस स्टेट ने कितना अच्छा पवेलियन लगाया है। तो फ्रेंड्स, हमारी IITF मेले में एंट्री हो चुकी है और हम यहाँ पर नीचे पार्किंग से ऊपर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी बिजनेस क्लास का टाइमिंग चल रहा है और ये 19 से जनरल पब्लिक के लिए ओपन होगा। इन दिनों आपका टिकट 500 रुपीज़ की है। वीकडेज पर यही टिकट, जब जनरल लोगों के लिए आपका ये ओपनिंग हो जाएगी, तब से आपका 150 रुपीज़ वीकेंड पर रहेगा एडल्ट्स के लिए और 60 रुपीज़ बच्चों की टिकट रहेंगी। और वीकडेज पर आपका यही टिकट 80 और 60 रुपीज़ की हो जाएगी। तो चलिए हम आगे एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। यहाँ पे बहुत कुछ है ट्राई करने के लिए, वो हम आपको भी ट्राई करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग से ऊपर आते ही आपको सबसे पहले जो दिखेंगे वो दिखेंगे स्टेट्स के हॉल एग्जीबिशंस। और ये सारे के सारे हॉल्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हॉल नंबर 5, 4, 3, 2, 14 है, जहाँ पर इंडिया के सभी स्टेट्स की खास चीज़ें, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, शॉपिंग से रिलेटेड हो, कपड़े हो, वो सब आपको मिलेंगे। ये सब आपका फर्स्ट फ्लोर पर है। और चलिए हम उन चीज़ों को अब एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से आपका एस्केलेटर्स भी हैं, सामने ही लिफ्ट हैं। आपके पास पूरा जो है वो आपका कंफर्टेबिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, जिस तरीके से आप चाहें इस जगह को घूम सकते हैं। चलिए हम भी ऊपर चलते हैं। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। अपने मेले को घूमने की स्टार्टिंग हम यहीं से कर रहे हैं और हमें पता चला है कि इस बार जो आपका पार्टनर स्टेट्स हैं, यानी कि जिन्हें साझेदार स्टेट्स कहा जाता है, वो UP और बिहार हैं। और जो आपका मेन फोकस स्टेट जो रखा गया है इस बार की थीम पे, वो आपका झारखंड को रखा गया है। तो ये तीनों राज्य आपका, इन पर कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा रहेगा और हम आपको इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से घुमाएंगे। जो लोग यहाँ पर आएँ, वो भी हमारा कहना है कि वो इन्हीं पर फोकस करें, क्योंकि मेले की थीम पर ही जो है वो ये राज्यों को फोकस किया गया है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर घूमते हैं।
तो मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं एम्फी थिएटर 1 और एम्फी थिएटर 2 का पूरा टाइम शेड्यूल, डेट और आपका टाइम सब कुछ बता रखा है, कौन कौन कलाकार आ रहे हैं, किस तरीके का जो है कार्यक्रम होगा, जो कि 14 तारीख से लेकर पूरा 27 तारीख तक का शेड्यूल दिया गया है, टाइम और कौन से कलाकार आ रहे हैं, वो क्या परफॉर्म करेंगे सब देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके सारी जानकारी जो है वो जब आप विजिट करें तो उस टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं। हॉल में एंटर करते ही जो सबसे पहला स्टेट पवेलियन हमें देखने को मिला है वो है कर्नाटका स्टेट का। यहाँ पर अंदर चलिए एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है, और वैसे मैं पहले भी यहाँ पर आया हुआ हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे को पता हैं जो कि यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिलेंगी। मैसूर सिल्क साड़ीज़ होंगी, यहाँ की अगरबत्ती बहुत ज़्यादा फेमस है, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो पेंटिंग्स हैं ये भी आपका बड़ी गजब की कमाल की होती हैं, हर बार ये मिलती हैं, बहुत अच्छे प्राइसेस पर बिकती हैं। तो हमारे स्टेट पवेलियन शॉपिंग एंड हॉपिंग की शुरुआत कर्नाटका स्टेट पवेलियन से हुई। कर्नाटका स्टेट पवेलियन को अच्छे से डेकोरेट किया गया है मैसूरी पेंटिंग्स के जरिए। मैसूर की पेंटिंग्स बहुत फेमस है, ये वुडन कार्विंग्स करके बनाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसका प्राइस भी काफ़ी हैवी होता है। ये लगभग बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो आपको दिख रही होंगी ये लगभग 1.5 लाख के से 2 लाख के आसपास की है। इसके साथ साथ यहाँ की सिल्क साड़ीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि अगर आप हैंडमेड लेते हैं तो वो हज़ारों में उसकी कीमत होती है, और अगर आप नॉर्मल भी लेते हैं तो भी उसकी कीमत जो है 5,500-6,000 के आसपास होती है। यहाँ के इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्तियाँ भी बहुत फेमस हैं, जो कि ज़्यादातर चंदन की लकड़ी से बनती हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी और यहाँ से ले जाने लायक एक अच्छा सोवेनियर है। अच्छा, दोनों तरफ से आर पार जो है वो आपका दिखता है तो वो इम्प्रेशन बिल्कुल जी लाइट पर दिखता है। अच्छा, तो जैसे इनका क्या प्राइस होता है? ये वाला 25,000 एक पीस, तो मतलब दोनों हो गए 50,000 ना? 50,000 जी जी। ये लेदर है ना? हाँ जी, लेदर के ऊपर ही जो है वो आपका क्राफ्ट, ये हाथ में डिजाइन करना है, ठीक है, थैंक यू। मेरे ठीक पीछे है सांची स्तूपा का रेप्लिका। इसे अगर आप जो ध्यान में रखें तो आप गेस कर सकते हैं कि अब हम हैं एमपी में। अब हम एमपी स्टेट का पेविलियन विजिट करेंगे, और पता नहीं अब ये यूट्यूब की नज़र है या क्या नज़र है, पर इस बार हमें ये कुछ ज़्यादा ही जगह सुंदर लग रही है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत जो है आपका स्टेट पेविलियन सजाए गए हैं। चलिए विजिट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मेरे ठीक पीछे अभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये आपका मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट्स हैं, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI टैग मिला हुआ है। ये चीज़ें आपका मध्य प्रदेश के अलावा आउट ऑफ मध्य प्रदेश कहीं पर भी नहीं ग्रो करी जा सकती है या इनका प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो सकता है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि मैंने ट्राई नहीं करी हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले यूज़ करी हैं, जैसे कि आपका रतलामी सेब है, नागपुर ऑरेंजेस दुनिया जानती है कि आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, मुरैना की गज्जक सुलभ सर याद आ गए, और आपका पान है आपका महोबा का, महेश्वर साड़ी है, चंदेरी साड़ीज़ हैं, लेदर टॉय। तो ये मेरे पिताजी जब मैं थोड़ा छोटा था, जब अब छोटा आप सोच सकते हैं कब का होगा, तो काफ़ी साल पहले मैंने इन टॉयज़ को यूज़ किया हुआ है। और कड़कनाथ, ओहो हो, ये तो अभिषेक के फादर ने जो है वो खिलवाया था, बिल्कुल
काला बिल्कुल हड्डी, ये मेरे को उतना पसंद नहीं आया था। और महेश्वर साड़ी तो डिम्पी जो है वो आंटी जी लेकर आई थी अभिषेक की मदर के लिए, जब वो एमपी अभी कुछ टाइम पहले ही विजिट किया था। तो बाकी चीज़ें भी हम जल्दी ही यूज़ करेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करके लेकर जाएंगे, अपनी ये लिस्ट को जो है वो और बढ़ाएंगे। चलिए आगे और घूमते हैं इस पेविलियन को। ये जो सारे आइटम्स अब हम सामने देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश की एक बहुत फेमस ट्राइब गोंड ट्राइब इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके मेटल के ये स्मॉल स्मॉल टॉयज या डेकोरेटिव आइटम्स के साथ साथ इनका मड पॉटरी का काम और साथ साथ गोंड पेंटिंग्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मध्य प्रदेश के पवेलियन में इसे एक एक्सेप्शनली एक अलग सा स्टेज दे के इसको यहाँ पर डिस्प्ले में रखा गया है। लाइक ऑल अदर स्टेट पवेलियंस, मध्य प्रदेश के स्टेट पवेलियन में भी कपड़ों पे खासा ध्यान दिया गया है और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की फेमस महेश्वरी साड़ीज़ और चंदेरी साड़ीज़ को प्रमोट किया गया है। यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी प्रमोट में रखा गया है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। अब हम आ गए हैं अपने होम टाउन के स्टेट में, उत्तराखंड में। पुराने टाइम पर ये आपका जो इसका पेविलियन है, ये आपका पहाड़ जैसा ऊपर सीढ़ियाँ होती थी उस पर लगा करता था। अब तो सभी स्टेट्स का पेविलियन एक साथ ही लगा दिया गया है। तो चलिए अब इसको भी विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। बाल मिठाई, चॉकलेट मिठाई वो ज़रूर होगी। हर किसी को ये तो पता ही है कि बाल मिठाई होती होती है पहाड़ों की। उत्तराखंड का स्टेट पवेलियन काफ़ी छोटा है साइज़ में और यहाँ पर रूरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया है। यहाँ पर उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई और सिंगोड़ी मिठाई बिक रही है। इसके साथ साथ यहाँ उत्तराखंड का जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस मिर्च का नमक है, जिसे पहाड़ी लून कहा जाता है, वो भी बिक रहा है। यहाँ पर इसके साथ साथ माल्टा और बुरांश का जूस जो हर बार उत्तराखंड में पीने के लिए भी मिलता है और साथ साथ बेचा भी जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लोहा घाट के लोहे के कढ़ाइयाँ और उत्तराखंड का फेमस जो आजकल डेवलपमेंट हो रही है, उसके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे टीरी डैम प्रोजेक्ट और जो रेल प्रोजेक्ट आया है ऋषिकेश में, उसको भी यहाँ डिस्प्ले में रखा गया है। इस पवेलियन से बाहर जाते जाते हमारी नज़र पड़ी यहाँ की एक ट्रेडिशनल शॉप में, जहाँ मिल रहे हैं उत्तराखंड के फेमस ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, जिसमें कि दो आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा जो फेमस हैं उत्तराखंड में, एक यहाँ गले का ग्लोबन और साथ में नाक की नथुनी, ये दो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, जिनका प्राइस लगभग 300-350 रुपये का बताया जा रहा था और 500 वाले भी थे आइटम्स यहाँ पर देखने के लिए। तो ये उत्तराखंड के फेमस गहने हैं, तो अगर आप यहाँ उत्तराखंड में आते हैं तो इनको भी आप खरीद सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में। हालांकि उत्तराखंड में ये गहने ओरिजिनल गोल्ड के यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर उनका आर्टिफिशियल वर्जन बेचा जा रहा है। अभी हमारे लास्ट व्लॉग में जो आपने गढ़वाली हल्दी फंक्शन देखा होगा, उसमें भी मेजॉरिटी लेडीज़ को आपने ये ग्लोबंद और नथुनी पहने हुए देखा होगा। फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेट पवेलियन है नागालैंड का। ये स्टेट मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, यहाँ पे के फेस्टिवल्स पूरे साल भर चलते रहते हैं। अब नागालैंड तो जाने का मौका मिल नहीं पा रहा, तो चलिए यहाँ का स्टेट पवेलियन ही घूम के इस जगह को और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत छोटा सा स्टेट है और उसी तरीके से इसका स्टेट पवेलियन भी काफ़ी छोटा है। नागालैंड स्टेट पवेलियन में ज़्यादातर जो नागा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मेनली नागा शॉल्स और नागा ड्रेसेस मिल रही हैं, इसके साथ साथ लाइक हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरह यहाँ पर भी जो आर्टिफिशियल फ्लावर स्टिक्स होती हैं वो भी मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ के वुलन क्लोथ्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मोटे लग रहे हैं। यहाँ के सॉक्स, यहाँ की कैप काफ़ी वुलन और मोटी दिख रही हैं, तो आप उसे यहाँ से खरीद सकते हैं।
यार ये सारे पीछे जो फोटोज लगी हुई है इनको देखने का ना मेरा नागालैंड जाने का बिल्कुल समय बहुत तगड़ा मन कर रहा है। इतना ज़बरदस्त इनका कल्चर, कितना डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपका अलग है, और जिस तरीके से इनका लाइफस्टाइल रहा है वो सब कुछ मेरा जाने का बहुत मन है। यार भाई नागालैंड के स्पॉन्सर को फ़ोन कर, मेरे को जाने का है तो जाने का है, मेरे को ले चल वहाँ पे। ये थोड़ा बजट वजट बढ़ाओ, मेरे को लेकर चलो, मेरे को इस साल का मेरे को हॉर्नबिल फेस्टिवल चलना है, ठीक है, वहाँ से हम शूट करेंगे, वहाँ पर जो हम आपका अपने चैनल अपने व्यूअर्स को जो के लिए हम बिल्कुल नागालैंड को ऑथेंटिक नागालैंड कैसा है, यहाँ पर तो अभी इतना सब कुछ नहीं था पर हम उनके लिए वो दिखाना है जो कि उनके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। तो चलना है, स्पॉन्सर्स का कॉल मिला, मैं जा रहा हूँ फ़ोन करने, मेरा फ़ोन कहाँ है। नागालैंड स्टेट पवेलियन के ठीक पीछे ही है नॉर्थ ईस्ट का पूरा बैम्बू प्रोडक्ट्स का एक पूरा पवेलियन, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के बैम्बू प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है, जहां पर बैम्बू से बने हुए अलग अलग फर्नीचर आइटम्स और उसके साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स बिक रहे हैं। तो इस समय मैं हूँ गोवा स्टेट के पवेलियन में और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को खास दिखाने को है नहीं, टूरिज्म ही इनका जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर वही चीज़ जो है उसी को प्रमोट किया गया है, बाकी आपका ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, वो सब कुछ है, पर मेन चीज़ मेरी फेवरेट नहीं बोलूँगा जो आपका फैन ही जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो होती ज़रूर जो है आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती थी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आपका एक नरकासुर की दिवाली होती है, तो आप वो कभी गोवा जाएँ उस टाइम पर आप विज़िट करें, जिस टाइम पर वो दिवाली होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो बाकी जो है वो मैंने आपको टिप्स दे रहा हूँ कब जाना है, कैसे जाना है, क्या टाइम सही रहेगा, बाकी आप जो है वो जब भी आपको मौका मिला आप ज़रूर विज़िट करें। अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी का भी जो पवेलियन है ये काफ़ी छोटा है और यहाँ पर भी टूरिज्म और इसके साथ साथ फिशरीज़ को दिखाने के अलावा कुछ नहीं है, तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या यहाँ से टूरिज्म की इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ठीक पीछे दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का एक स्टॉल लगा हुआ है और ये जैसा कि आपका वहाँ खाली रहता है यहाँ भी खाली पड़ा हुआ है, कोई इसको जो है वो नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल खाली पड़ा है, पता नहीं क्यों लगा रखा है इन लोगों ने। दिल्ली के पवेलियन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, तो आगे दूसरे स्टेट्स को विज़िट करते हैं। पेंटिंग्स वगैरह हैं सब जगह पर, ये चीज़ें वणक्कम, स्वागत है आपका एक और स्टेट पवेलियन में, खूबसूरत एक और तमिलनाडु का ये स्टेट पवेलियन है। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट तमिलनाडु का, ड्रिप इरिगेशन, पानी को बचाने की, पैडी क्रॉप्स में वुमन का कंट्रीब्यूशन अब आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक पीछे फेमस तमिलनाडु की कांचीपुरम साड़ीज़ है जिनकी स्टार्टिंग 7-8 हज़ार से होती है, और बाकी कुछ यहाँ पर अभी कुछ ऐसा है नहीं दिखाने लायक, तो एक घंटे से ऊपर का हमें टाइम हो चुका है और भी काफ़ी सारे स्टेट्स कवर करने हैं, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में बांटा है, तो आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले पार्ट में जिसमें आपको हम ट्रेड फेयर की बाकी स्टेट्स के बारे में भी बताएंगे और उनको दिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।